हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो गए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हमारी आज फर्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि खत्री एफएफ के बारे में। तो भाई लोग, आप लोगों को पता ही होगा, नॉनस्टॉप भाई ने खत्री भाई को एनजी से निकाल दिया है। और भाई लोग, आप लोगों को रीजन भी पता ही होगा, कार्डिंग का रीजन था। तो भाई लोग, फाइनली इसी के ऊपर खत्री भाई ने अपने रिसेंट वीडियो में अपना एक रिप्लाई दिया है। तो यार, आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। इससे पहले मैं अपना टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा। तो पहली बात, इन्होंने भी ये पॉइंट रखा कि इंडिया को रिप्रेजेंट। गाइस, इंडिया को रिप्रेजेंट मैं अपने गेम प्ले से करता हूँ, ना कि चैनल से। एंड मेरा जो भी सीन था वो सब मेरा पास्ट था, एंड मैं पास्ट पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करता। मैं अपने प्रेजेंट पे फोकस करता हूँ, एंड प्रेजेंट में मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ। एंड प्रेजेंट में मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैं आगे कोई गलती करूंगा। एंड सबसे पहली बात गाइज, मेरा चैनल डीमोनेटाइज है, फिलहाल ना ही कोई चैनल से रेवेन्यू आने वाला है। एंड गाइज, जो भी आप लोगों ने स्ट्रीम पे देखा है वो ऑलरेडी रिफंड हो चुका है, आप लोगों के सामने है। क्योंकि इन सब चीजों को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूट्यूब है। वो जा तो रिफंड दे देता है, वो जा तो चैनल को डीमोनेटाइज कर देता है। बट जो जो मिलियंस वाले चैनल रहते हैं, जैसे कि काफी बड़े चैनल रहते हैं या फिर जिनका काफी सारा व्यूज रहता है, उनका डिटेक्ट नहीं हो पाता है ज्यादा जल्दी, एंड इसीलिए वो लोग बच जाते हैं। एंड मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा चला ही गया है, कुछ आया भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे छाप लिया हूँ, ये कर लिया हूँ, वो कर लिया हूँ, बल्कि मैं खुद बहुत बड़ा झटका खा चुका हूँ, क्योंकि मेरा चैनल ही डिमोनेटाइज्ड हो गया था। मेरा जब चैनल डिलीट हो गया था, जब चैनल टर्मिनेट हो गया था, उसको वापस लाने के लिए जितने पैसे लगे हैं वो भी मैं जानता हूँ। जब मेरा चैनल यूट्यूब से डिलीट हुआ था, मतलब टर्मिनेट हो गया था, ये आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा चैट में, मेरे को सच में जब मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ था, मेरे को खबर तक नहीं थी, ना ही मेरे को कोई मेल आया। मेरे को सबसे पहले मैसेज आता है नॉनस्टॉप भाई का, ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप लोग, ठीक है, जब मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ। एंड उस टाइम पे मैं जो शॉक्ड में था ना, कि मतलब इतना कि भाई मेरी गलती का मेरे को उसी टाइम पे एहसास हो गया था, ठीक है। जो भी सीन था मेरा, जो भी हुआ पास्ट में, कुछ भी हुआ, एंड मैं इतना बता दूं, जब मैंने अपनी मेहनत को, मैंने अपने चैनल को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा, जब मेरा चैनल यूट्यूब से टर्मिनेट डिलीट हो गया था, मैं तभी दूर हो चुका था। एंड इन सब चीजों के बाद मेरे को तो पता था कि बातें बाहर आएंगी, जो कि हुआ भी, बातें बाहर आई, एंड 6 महीने का बैन भी मिला है मेरे को। एंड मैं इतना क्लियर कर दूं कि मेरा कोई हैक या फिर आईडी बैन का सीन नहीं है। भाई लोग, मैं आप लोगों को बता दूं कि खत्री भाई ने उस वीडियो में ये भी बताया कि नॉनस्टॉप भाई के चैनल में जो 9 घंटे की लाइव स्ट्रीम हुई थी, उसमें जो एक प्रेडिक्टर नाम का बंदा था, उसके अगेंस्ट खत्री भाई ने कुछ प्रूफ देकर ये बताया कि असल में वही बंदा सन की 200 के है। तो आप लोग चाहो तो ये वीडियो देख सकते हो, मैंने इस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो यार, बढ़ते हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि शिवा भाई के बारे में। तो वो लोग, क्या शिवा भाई ने बॉस ऑफिशियल को एक्सपोज कर दिया है? तो वो लोग, आप लोगों को पता हो, करीब 2 साल पहले बॉस भाई ने स्मूथ भाई का पीसी चेक किया था। और वो लोग, पीसी चेक करने के बाद बॉस भाई ने अपने चैनल में एक वीडियो भी अपलोड किया था, जिसमें कि भाई ने ये कहा था कि स्मूथ भाई मतलब अच्छा खेलते, वो एकदम फेयर प्लेयर है। लेकिन भाई लोग, नॉनस्टॉप भाई के चैनल में जो 9 घंटे की लाइव स्ट्रीम हुई थी, उसमें बॉस भाई ने बताया कि स्मूथ भाई का पीसी चेक होने से पहले और बाद के गेम प्ले में काफी ज्यादा डिफरेंस था। तो वो लोग, इसी को लेकर शिवा भाई ने अपने वीडियो में बात किया। और वो लोग, इसके साथ ही शिवा भाई ने स्मूथ भाई के 2 साल पहले पीसी चेक होने के तुरंत बाद का एक गेम प्ले भी दिखाया है। तो आप लोग क्लिप खुद देख लीजिए। तुम सभी लोगों से मेरा एक सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपोक्रेसी? अगर तुम्हारे माइंड में इसका मतलब दोगलापन आ रहा है तो गलत हो तुम लोग। हिपोक्रेसी का मतलब होता है ऑफिशियल। तुम सोच रहे होंगे ऐसे कैसे, ये चीज तुम खुद ही देख लो। बंदा इतना अच्छा गेम प्ले करता, कोई इंडियन सर्वर से इतना अच्छा प्लेयर है, इसके लिए आई एम प्राउड ऑफ इट। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। और मान लो जो वीडियो में गेम प्ले दिख रहा है, 19-20 का फर्क दिख जाएगा, 15-20 का दिख जाएगा, 20 से डायरेक्ट 2 पे तो नहीं आ जाएगा ना। अब इससे तुम्हें थोड़ा मजा आया होगा, लेकिन अब थोड़ा और मजा बनता है कि नहीं बताओ? बनता है ना, तो चलो फिर ये सुनो। दूसरी चीज कि उसका पीसी बाईपास हो रखा था, इतना जॉर्ड खेलता है, ये बंदा टूर्नामेंट प्लेयर है पीसी का। मतलब एक तरफ इस बंदे का कहना यह है कि उस बंदे का पीसी बाईपास हो रखा है क्योंकि इसने चेक करवाया था, लेकिन एक तरफ कहना यह है कि ये पीसी का टूर्नामेंट प्लेयर है। दोगला नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, तुम बताओ। स्मूथ का पीसी 2 साल पहले से ही बाईपास है। उस टाइम पर पीसी बाईपास के बारे में लोग उतना नहीं जानते थे जितना कि आज जानते हैं। जनरली पीसी बाईपास का इस्तेमाल किया जाता है पीसी के अंदर के सस्पिशियस मटेरियल को छुपाने के लिए, और यही रीजन है कि टूर्नामेंट में भी पीसी बाईपास प्लेयर अलाउड नहीं होता है। खुद के टूर्नामेंट कराओ, खुद के रूल्स बनाओ कि चलो मीना वर्सेस हैकर करवाते हैं, तो बात अलग है। अब तुम्हें दिखाता हूँ एक ऐसी चीज जो तुम लोगों से छुपाई गई। स्मूथ जब पीसी चेक हुआ था तो ऑफिशियल ने अपने वीडियो में बहुत से पॉजिटिव रिव्यू दिए कि भैया तो बहुत अच्छा प्लेयर है, आई एम प्राउड ऑफ इट फ्रॉम लिमका। लेकिन आज वही बंदा कह रहा है कि पीसी चेक होने के बाद उस बंदे के गेम प्ले में जमीन आसमान का डिफरेंस था, 20 से 2 पे आ गया। इसका मतलब वो उस टाइम पर सच नहीं बोल रहा था। इस बात का एक और प्रूफ है, अब मैं तुम्हें वो दिखाता हूं। स्मूथ के पीसी चेक होने के जस्ट बाद का गेम प्ले, तुमने स्मूथ का गेम प्ले तो दिखा ही होगा, बिना रिकॉइल वाला, ओनली रेड नंबर्स वाला। आज हम तुम्हें दिखाएंगे स्मूथ का ही गेम प्ले, पर बिना बिग हेड चेस्ट, बिना चीट इंजन के। चलो फिर प्ले करते हैं। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा
हिट कर दी भाई, अब क्यों नहीं लग रहे हेडशॉट? आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। मेरे भाई हैक को स्मूथ की जरूरत पड़ सकती है, स्मूथ को हैक की नहीं। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। मेरे भाई हैक को स्मूथ की जरूरत पड़ सकती है, स्मूथ को हैक की नहीं। आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। फाइल डिलीट कर दी भाई, अब क्यों नहीं लग रहे हेडशॉट? टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। पड़ सकती है, स्मूथ को हैक की नहीं। तो भाई लोग इससे रेट है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो यार बढ़ते हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो कि मेंटोरक्स एफएफ के बारे में। तो भाई लोग मेंटोर भाई ने अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें कि भाई ने बताया कि मतलब भाई की आईडी कैसे बैन हुई थी। और भाई लोग इसके साथ ही भाई ने ये भी बताया कि मतलब भाई ने एक बार पैनल यूज तो किया था, लेकिन मतलब किस लिए किया था, आप लोग वो क्लिप को देख लीजिए। देखो तुम लोगों को इधर उधर सुनने को मिल रहा होगा और प्रूफ भी मिल रहे होंगे कि मैंने पैनल लगाया है। तो हां मैंने पैनल लगाया है, लेकिन किसी ने ये पूछा मैंने पैनल क्यों लगाया है। अब देखो तुम लोगों को पता ही होगा मेरी एक आईडी बैन है, और वो किस तारीख को बैन है वो भी मैंने बताया हुआ है, 30 नवंबर 2023। मैंने पिछली वीडियो में भी डेट मेंशन करी थी और अभी भी मेंशन कर रहा हूँ। और मेरी जो क्लिप तुमको मिलेगी इनके पास वो है 30 जनवरी 2024। देखो इन दोनों तारीख के बीच में तुमको 2 महीने का फासला मिलेगा। अब अपन चर्चा करते हैं मेरी आईडी बैन कैसे हुई। देखो तुम लोगों को स्क्रीन पे एक स्क्रीन शॉट नजर आ रहा होगा, जो की ब्लू स्टैक स्पीकर की ऑफिशियल साइट का है। अब जनरली लोग एमुलेटर X86 वर्जन यूज करते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में उस दिन पता नहीं क्या भूत सवार हुआ, मैंने ब्लू स्टैक X64 डाउनलोड और इसी के अंदर मैंने फ्री फायर X86 इंस्टॉल कर दिया। अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा हो, इस टॉपिक के ऊपर ओरा गेमिंग ने वीडियो भी बनाई हुई है, अब वो ढूंढना पड़ेगा, इतनी पुरानी वीडियो है, क्योंकि वो कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं, जस्ट अपनी वीडियो में उस पोर्शन को कवर किया गया था। तो दैट्स व्हाई मुझे वो वीडियो मिल नहीं रहा है, अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको मेंशन कर दूंगा। और रही बात प्रूफ की कि मेरी आईडी पैनल से बैन नहीं हुई है, उसका प्रूफ भी तुमको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी जो व्हाट्सएप चैट दिख रही है ये गरीना के मॉडरेटर पवन भाई, जिनको सब लोग जानते ही होंगे, उनके साथ है। अब इसमें तारीख भी देख लो, अब इस चैट में तुम्हें पवन भाई की तरफ से एक भी रिप्लाई नहीं दिखेगा। अब उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। अब देखो जिस टाइम की ये चैट है, अब उससे कुछ टाइम पहले ही मैंने नया पीसी लिया था। अब भाई चुल तो मस्ती है भाई गेम खेलने की, अब फुल मैप वगैरह खेल नहीं पा रहे क्योंकि इंडिया में पीसी बैन है। तो एक मीटिंग में मैंने इनसे लड़ाई कर ली कि पीसी अनबैन करो, और मैंने पॉइंट्स भी रखे थे अपने कि इंडिया के जो टॉप क्रिएटर से सारे पीसी प्लेयर है, क्या सोचकर तुमने पीसी को बैन रखा है। उस टाइम मेरे को सारे रीजन मालूम नहीं थे कि किस वजह से बैन है, लेकिन आज मैं तुमको प्रॉपर रीजन दे सकता हूँ कि किस वजह से बैन है, और तुम लोगों को भी कम्युनिटी में नजर आ ही रहा होगा पीसी प्लेयर्स ने कैसे आतंक मचा रखा। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि मैंने पैनल क्यों यूज किया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे सिर्फ पुराने प्लेयर्स ही रिलेट कर पाएंगे, नए पिकाचू को छोड़। अब एक लेवल की आईडी जिसको तुमने 5 साल से खेल खेलकर इतना बढ़ाया है, तुमने इतना टॉप अप किया है, कहीं ना कहीं उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है, और जब वो आईडी बिना किसी रीजन के बैन हो जाए तो तुम लोगों को भी पता है कैसी फीलिंग आती है। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ भी है, वो लोग मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। मेरी आईडी बैन होने के बाद मैं देख रहा हूँ भाई बहुत से पीसी प्लेयर जादू यूज कर रहे हैं लेकिन इनकी आईडीज बैन नहीं हो रही, लेकिन भाई मैंने कुछ यूज नहीं किया, मेरी आईडी बैन हो गई। भाई अपन भी चीजें देखते हैं ये क्या चीज है। अब मेरे को एक दोस्त मिला, उसने मेरे को ये चीज दी, ठीक है फ्री में दी, मैंने वो चीज लगाई एक लेवल की आईडी पे, और वही चीज मैंने स्टारकी को भी दिखाई क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सस्पिशियस मार रहा था। तो उसने मेरा पीसी चेक किया और वो चीज निकली, तो मैंने उसको खोल कर भी दिखाई वो चीज, और मैंने उसको बकायदा बताया कि ये मेरे पीसी में किसी और ने इंस्टॉल करवाया है। तो रही बात पैनल्स के बारे में इतना नॉलेज रखने की, ये सारा नॉलेज मैंने अपनी आईडी बैन के बाद ही गेन किया है, क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है कि इन पैनल्स को बंद करवाना। कि देखो मेरा मोटिव है पैनल्स को बंद करवाना, तो इनको बंद करवाने के लिए मेरे को सारी नॉलेज भी चाहिए होगी, तो दैट्स व्हाई मेरे पास पैनल भी मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि भाई मैं हैकर हूं। अगर किसी चीज को तुम्हें बंद करवाना है तो उसके बारे में तुमको नॉलेज भी रखनी पड़ेगी, तो तुमको वो चीजें यूज भी करनी पड़ेगी। तो इसी वजह से मैं टूर्नामेंट्स वगैरह भी नहीं खेलता हूं। और रही बात कोड्स पैच करवाने की, मैंने इन पास शिवा भाई के साथ मिलकर कुछ कोड्स पैच भी करवाए, मेरे पास कॉन्टैक्ट नहीं थे तो मैंने शिवा भाई को वो कोड्स दिए एंड उन्होंने पैच करवाए। अब रही बात आईडी बैन वाले सीन, अगर तुम लोग का ये मानना है कि मेरी आईडी हैक लगाने की वजह से बैन हुई, तो मैं तुम लोगों को यूट्यूब पे ओपन चैलेंज देता हूँ कि भाई 2023 से पहले का तुम मेरे पास कोई भी प्रूफ लाकर दे दो कि मैंने हैक यूज किया है या कहीं से खरीदा, अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं इस हैक वाली लाइन में घुसा 2024 जस्ट बिकॉज इसलिए घुसा क्योंकि मुझे इन चीजों के बारे में नॉलेज चाहिए, इनको बंद कराना है तो मुझे इन चीजों के बारे में जानना पड़ेगा। तो वह लोग अगर आप लोग पूरा वीडियो देखने आप लोग चाहो तो देख सकते हो, मैंने इस वीडियो का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वह लोग आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय लोग, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।